विज्ञान वेद वेदांगों के क्षेत्र में अप्रतिम कार्य करने वाले उपाध्याय जी, पूर्व वक्ता प्रोफेसर जयशंकर के जी, मौर्या जी, हमारे अग्रज प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, संचालक पंकज त्रिवेदी जी, और हमारे समक्ष जितने भी विद्वद्गण विद्यमान हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। हम सभी ज्योतिष के लोग बैठे हुए हैं समक्ष भी, मंच पर भी। ज्योतिष शास्त्र का एक मुख्य कार्य काल विधान शास्त्र है। काल की व्यवस्था देना, काल का नियमन करना, काल को संयमित करना, काल का मान बताना, काल का अतिक्रमण हो गया है। मेरा विषय जो था वो वेदशालाओं की उपयोगिता में के ऊपर था। मैंने कुछ स्लाइड्स भी बनाए थे, लेकिन जब 6:30-7 बजे के आसपास फोन आया कि सत्र थोड़ा लेट हो रहा है, तो मैंने उसको तो छोड़ दिया। अब मुझे लग रहा है कि उस पर तो नहीं बोला जा सकता, उसके बारे में कुछ जरूर बोला जा सकता। तो मैं वेदशालाओं की उपयोगिता पर नहीं बोलूंगा, वेदशालाओं की उपयोगिता के बारे में 2-4 शब्द जरूर कहूंगा। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के साहित्यकारों को पढ़िए, भारतीय साहित्यकारों को पढ़िए या पाश्चात्य साहित्यकारों को पढ़िए। पाश्चात्यों को पढ़ने में तो कोई हम लोगों को वितृष्णा नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन भारतीय साहित्यकारों को भी पढ़िए जिन लोगों ने भारतीय ज्ञान विज्ञान और भारतीय चिंतन परंपरा का लेखन किया है। भारतीय मनीषा के बारे में लिखा है। सब लोग जितने भी लेखक थे, सब बेबीलोन, सुमेर, यूनान, उनकी संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान विज्ञान, कला, गणित और खनिज विज्ञान इत्यादि से इतना प्रभावित थे कि भारतीय मनीषा के ऊपर उनकी दृष्टि ही नहीं गई। उन्हें लगता था कि प्रसिद्धि यहीं से प्राप्त की जा सकती है, यही लिखने का समस्त एक सूक्ष्मतम आधार है, यही विकास की एक सही दिशा है। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद जब पाश्चात्य विद्वानों के, जिसमें सार्टन, थॉमस हेट, ग्लेनविले इत्यादि को पढ़िए, और जब उनके भारतीय ज्ञान विज्ञान के संबंधी आलेख जब सामने आने लगे, तब जाकर के भारतीय मनीषा के उस तथाकथित विद्वानों का मति भ्रम दूर हुआ और उनकी तंद्रा खुली कि अरे हम कहां किस तरफ जा रहे थे, किस तरफ हमारे शोध की दिशा जा रही थी, क्या हम कर रहे थे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कुछ भी संस्कृति में दिखाई दे रहा है, उनके पहले के लेखकों ने सब कुछ वही प्रतिपादित किया है जिसे कि हमें कुछ आता ही नहीं था। हमने सब कुछ भारतीय पाश्चात्य देशों से ही लिया है, सुमेर और बेबीलोन से लिया। लेकिन जब उन लोगों के आलेख पढ़ेंगे, जब सूक्ष्मतम हम अध्ययन करते हैं, तब जाकर के हमें पता चलता है कि सुमेर और बेबीलोन से यूनान ने बहुत कुछ लिया। स्वयं टॉलमी, जिसको आज का पाश्चात्य पूरा अपना आदि गुरु मानता है, वहीं से उनके ज्ञान का, उनके गणित का विकास आरंभ होता है, उनके विज्ञान का विकास आरंभ होता है। उन्होंने भी दशमलव का ज्ञान कहां से लिया था हमें पता है, अरब देशों से लिया था। और अरब ने गणित का ज्ञान कहां से लिया था, अगर हम भारतीय साहित्य का समग्र अगर आकलन करेंगे, अपने वेदों को पढ़ेंगे, अपने गृह सूत्रों को पढ़ेंगे, अरण्यक उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि उसके मूल में भारतीय मनीषा ही विद्यमान थी। सारा चक्र उलट करके पुनः इस भारतीय मूलक ज्ञान विज्ञान की तरफ आ जाता है। जब हम, और बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए, 1500-2000 वर्ष पहले चलिए, विज्ञान की कोई शाखा नहीं थी, दो ही विज्ञान हुआ करते थे। गुरुवर बैठे हुए हैं आपके मुंह से, हम लोगों ने सुना है, आपसे पढ़ा है, एक ज्योतिष, एक आयुर्वेद। दूसरा विज्ञान नाम का कोई पदार्थ या कोई विषय या कोई ऐसी वस्तु नहीं थी। ये वेद मूलक जो ये दो विषय हैं, क्योंकि वेदों से ही सब कुछ मिलता है, वेद ही हमारे मूल हैं, वेदों से लेकर के ही षट वेदांग और बाकी शास्त्रों की रचना हुई, कलाएं आई, सर्व विद्या करतुम, सभी विद्याओं का मूल हम लोग मानते हैं वेदों को। तो एक आयुर्वेद था जिससे स्वास्थ्य रक्षण का कार्य किया जाता था, और दूसरा जो विज्ञान था वो ज्योतिष शास्त्र था, जिसके अंतर्गत आज के जितने भी विज्ञान थे, चाहे वो गणित हो, खनिज हो, रसायन हो, भूगर्भ हो, अंतरिक्ष हो, वनस्पति हो, जीव हो, जितने विज्ञान की शाखाएं हैं, सब की सब उसी के अंतर्गत समाहित थी।
और इन सबका आकलन जो किया जाता था, इन सबका, इन सबके गणित का जो केंद्र था, एक समग्र जो स्वरूप था, वो भारतीय ज्योतिष के रूप में वर्णित था। आजकल भारतीय ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के नाम से सिर्फ विकसित किया जाता है, जाना जाता है। और इतना ही नहीं कि शुल्ब सूत्रों में या वेदों में जितनी बातें आई हैं उतनी ही हमारे ऋषियों को पता थी। उन्होंने उतने का वर्णन इसलिए किया है कि उनका लक्ष्य क्या था। उनका लक्ष्य था वेदों के लिए, वेदों में प्रतिपादित यागों के लिए वेदियों का निर्माण करना, यज्ञ कुंडों का निर्माण करना, और यज्ञ कुंडों के निर्माण में जितनी विधियां प्रयुक्त थी सिर्फ उनका वहां पर वर्णन किया। उसके अलावा उनका प्रयोजन आगे का नहीं था, इसीलिए उनका वर्णन उन्होंने नहीं किया। इसी तरह से हमारे ऋषियों को ज्योतिष शास्त्र के विषय में जब आप आएंगे तो हाँ, ऐसा नहीं है कि ग्रहों के बारे में जो नौ बाद में घटाते बढ़ाते गए, 11 से लेकर 10, 8, 7 की जो संख्या घटती बढ़ती रहती है, इनके बारे में भारतीय मनीषा को पता नहीं था। उन्हें पता था, लेकिन उनके प्रभाव का चूंकि वैश्विक विश्लेषण नहीं संभव, संभव था लेकिन उनका प्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए उसका प्रतिपादन किया ही नहीं गया, उसकी जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो था कि वेद विहित मार्गों का अनुसरण करते हुए एक स्वस्थ जीवन यापन करना, एक प्रकृति में संतुलन बनाए रखना, संतुलन प्रकृति में कोई विकृति न उत्पन्न हो इसके लिए मार्गों का प्रणयन करना, धर्म सम्मत विज्ञान की स्थापना करना जिससे कि कोई समाज में विकृति न उत्पन्न हो। और हमारे यहां ज्ञान और विज्ञान, धर्म और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं, लेकिन जब पाश्चात्य साहित्य को आप देखेंगे तो वहां पर विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। और वहां के धर्म शास्त्री उनके धर्म ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों के विपरीत सत्यता का प्रतिपादन करने के लिए कितने आचार्यों को जिंदा जला दिया गया, चौराहे पे रख करके गोली को पत्थरों से मार करके उनको मार दिया गया, इसका इतिहास आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अपने यहां ऐसा कुछ नहीं है, अपने यहां हमेशा ही धर्म मूलक, धर्म सम्मत विज्ञान की स्थापना रही है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक रहे हैं। और जो कुछ भी जब हम इस लक्ष्य की तरफ जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को देखते हैं और ज्योतिष शास्त्र के उद्देश्य के बारे में जब हम देखते हैं, जो एक प्राचीनतम विज्ञान है, उसमें एक है ज्योतिष शास्त्र फलम पुराण गण का आदेश इत्युच्यते। आदेश ज्योतिष शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। आदेश का मतलब है लोक में शुभाशुभ फल का निदर्शन करना, वेद विहित कर्मों के संपादन के लिए शुभ काल का प्रतिपादन करना, और उस सब शुभ काल के प्रतिपादन में जो मुख्य आधार है। आजकल जो ज्योतिष और बाकी सब विषयों को लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो हाहाकार मचा हुआ है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो उंगलियां उठ रही हैं, वो सब इसीलिए हुई है कि जिस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हैं, भारतीय वेदशालाएं उनका धीरे धीरे प्रयोग छूड़ हो जाना, समाप्त हो जाना। पंचांगों की एक रूपता नहीं है, व्रत पर्वों की एक रूपता नहीं है, ज्योतिष में ग्रह प्रतीति को प्राप्त नहीं होते, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत स्थलित, ये सब इसीलिए हुआ। आजकल उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि हमने अपने वेदशालाओं का प्रयोग बंद कर दिया। और ये वेद विध धातु से, विध धातु से जो उत्पन्न है, हम जानते हैं कि सामान्यतया किसी भी ग्रह नक्षत्र आदि पिंडों का जो अन्वेषण है, देखना है, वही वेद के शब्द से व्यवहित किया जाता है। और वो वेद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम नलिका आदि यंत्रों से या नग्न चक्षु से उस ग्रह नक्षत्र आदि का वेद करते हैं, देखते हैं उसको, वह इससे वेदित होता है हमारी दृष्टि से, इसलिए इसका नाम वेद हुआ। दो तरह के वेद होते हैं, एक तो सामान्य नग्न चक्षु से देव वेद, जिसे हम सूर्य को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, यह प्रत्यक्ष वेद है, प्रत्यक्ष चक्षु का वेद है। और दूसरा जो वेद होता है, जो वास्तविक एक परिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त है, वह है किसी यंत्र आदि के माध्यम से, नलिका आदि यंत्र हो या अन्य किसी यंत्र हो, उन यंत्रों के माध्यम से ग्रह नक्षत्र आदि आकाश में विद्यमान पिंडों की वास्तविक स्थिति गति इत्यादि का पता लगाना। और उसके लिए हमारे ऋषियों ने जो वेदों में वर्णन प्राप्त होता है, संहिताओं को जब आप देखेंगे, नक्षत्राणाम सोमवाति इत्यादि, वो एक नहीं हजारों असंख्य वर्णन मिलेंगे जहां पर वेद संबंधी देखने के उसके ग्रह नक्षत्रों की युति इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। उसके विषय में नहीं जाएंगे, बहुत सारे विषय धीरे 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 परिष्कृत होता हुआ वेदांगों में जब आया, तो वेदांगों में अपने समग्र स्वरूप को प्राप्त करता है, प्राप्त करती है यह वेदशाला। उसके पहले भी कपाल यंत्र, शंकु यंत्र, नलिका यंत्र इत्यादि का प्रयोग होता था।
जिसके द्वारा हम ग्रह नक्षत्र आदियों को सहजता पूर्वक देख सकें, काल का ज्ञान कर सकें। इन यंत्रों के वर्णन भी आपको प्राप्त होते हैं और धीरे 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 परिष्कृत रूप में जब हम लोग परंपरा में आते हैं, जब एक पौरुष ग्रंथों के क्रम में आते हैं, तो पौरुष ग्रंथ के क्रम में सर्वप्रथम जब वराह मिहिर आर्यभट्ट इत्यादि को देखते हैं तो वहां आकर के इनके यंत्रों का एक समग्र स्वरूप हमारे सामने देखने को मिलता है, जिसमें मुख्यतया कपाल यंत्र, चक्र यंत्र, नलिका यंत्र, शंकु यंत्र इत्यादि। और आगे जब बढ़ते हैं तो उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त के बाद भास्कराचार्य, गणेश, दैवज्ञ, कमलाकर, और जब इसका जो स्वर्णिम काल एक जब आता है वो आता है सवाई जयसिंह के समय में। इसके पहले के आचार्यों ने भी वेद यंत्रों को बनाया, वेद यंत्रों को बना करके ग्रह नक्षत्र आदि का वेद किया। अनेक ग्रंथों में वेद की पद्धतियां भी वर्णित हैं, वेद यंत्रों को बनाने की विधियां भी वर्णित हैं, लेकिन कहीं एक सूक्ष्म संकेत मिलता है तो कहीं समग्र वर्णन मिलता है। लेकिन जब हम 17वीं शताब्दी में आते हैं, 1700 से लेकर के 1734 तक, 1744-45 तक जो सवाई जय सिंह का काल होता है, जिसको जयपुर नगर जिन्होंने बनाया, वो स्वर्णिम काल था आधुनिक उस युग का। 5 वेदशालाएं बनवाई जो आजकल धरना देने का, जन जागरण के काम में आता है, उस समय दूसरा जन जागरण हुआ करता था उससे, जिसको हम लोग जयपुर, दिल्ली, एक बनारस में भी है मानसिंह घाट पे, मथुरा और उज्जैन, 5 वेदशालाएं। क्योंकि जो स्थिति अभी वर्तमान की थी उसी वही स्थिति उस समय भी ग्रह नक्षत्रादियों की हो चुकी थी, जो परिणाम थे वो व्यभिचरित होने लगे थे कालांतर जन्य प्रभाव से, क्योंकि हमारे यहां परंपरा रही है, क्योंकि यह जो सौरमंडल है यह सौरमंडल स्थिर नहीं है, इसीलिए इस सौरमंडल में विद्यमान ग्रह नक्षत्रादि पिंडों के लिए कोई अस्थायी सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब उसकी स्थिति ही स्थिर नहीं है तो कोई अस्थायी सिद्धांत संभव नहीं। संकुचन और विकुचन हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रादियों के भ्रमण पथ में। ऐसी स्थिति में जो भी सिद्धांत बनाया जाता है 500,000 वर्ष में उसमें परिवर्तन अपेक्षित होता है, परिवर्तन मस्त जरूरी होता है, और उन्हीं परिष्कार के लिए इन वेद सभाओं की स्थापना समय समय पर होती रही है। और वही हमारे आधार है, संकेत हमने काल नियमन की बात की और समय की, क्योंकि विषय ऐसा है कि मैं आगे जा रहा हूं, नीचे से संकेत भी मिल रहा है, बहुत विस्तृत, बहुत ही गंभीर विषय है। और आज अगर पुनः हम अपनी उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में अगर सक्षम हो सकते हैं तो निश्चित ही वेदशालाओं की स्थापना के क्रम में, और वैदिक विज्ञान केंद्र ने ऐसा उपक्रम एक आरंभ भी किया है, इनका एक उनकी एक परियोजना भी है वेदशालाओं के निर्माण की, तो निश्चित ही वेदशालाओं को सिर्फ दर्शनीय और पर्यटन स्थल के रूप में न बना करके एक जो हमारे जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के अनुरूप बनाए, जिससे कि हम पुनः उस प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित कर सकें और पुनः हम भारतीय ज्योतिष में प्रतिपादित और वेद वेदांगों में प्रतिपादित गणित के नियमों और सूत्रों के अनुसार उस विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो सके। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। इसी के साथ मैं भगवान को प्रणाम देता हूँ और विष्णु जी का और हिंदी के चरण कमलों का आशीर्वाद है। आपके चरण कमलों में मैं अपनी प्राणामांजलि समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।